वर्तमान समय आसी जहाँ मार्गदर्शन रे ओडिया समाज ओडिशा पर्व एभली सुंदर सुंदर प्रकल्प नहीं ओडिया मानक गोटे डोरी रे बांधी रखुची। स्वप्न और संकल्पर समर्थ सभ्यसाची प्रतिबंधतार फाल्गुनी विकासर विश्वकर्मा तथा उत्कल जननीकर जने कृतिविद्या संतान भावरे ओडिया अस्मितार संवाहक साजिंट केन्द्र शिक्षामंत्री श्रीजुक्त धर्मेन्द्र प्रधान महोदय प्रति ओडियांकर हृदय रे स्पंदित एक सम्मानर संबोधन श्री धर्मेन्द्र प्रधान को नहीं प्रति ओडिया गर्वित हुआ। जय जगन्नाथ। ओडिया समाज तरफ आयोजित सप्तम ओडिया पर्वरे मैं भारत की नहीं दुनिया की सबसे विश्वसनीय जननेता हम सभी के मार्गदर्शक हम सभी के श्रद्धा के केंद्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करता हूं। मैं मेरे मित्र भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को स्वागत करता हूं। हमारे उड़िया समाज के अध्यक्ष आदरणीय सिद्धार्थ प्रधान जी और यहां बैठे उड़ीसा तथा उड़िया लोगों को आदर करने वाले दिल्ली की सभी महानुभवों को उड़ीसा की सभी लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा की आदरणीय सदस्यगण उड़ीसा से विभिन्न जिलाओं से आए हुए कलाकार भाई और बहनों मैं आप सभी को देश की राजधानी दिल्ली में स्वागत करता हूं। मित्रों ये हमारी परम सौभाग्य है जब माननीय प्रधानमंत्री जी 14 में देश की कामकाज संभाले उन्होंने इसी शर्त पे संभालना शुरू किया मेरे सरकार सबके लिए रहेगा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सभी के लिए प्रयास। मैं अगर इस 10 साल के उपरांत उसकी समीक्षा करता हूं शायद हमारी राज्य उड़ीसा बोधे एकमात्र राज्य हब ये मूल मंत्र देश में सबुठ बड़ लाभार्थी उन्नयन विकास जदि मोदी जी का शासन प्रणाली रे किए ता ना हला आम प्रिय राज्य ओडिशा जार सम्यक धारणा आदरणीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव आम सामने उल्लेख करते ओडिशार महापुरुष मानकर बाणी संत कवि भीम भई हुंतु पंडित गोपबंधु दास हुंतु किंबा आधुनिक ओडिशार निर्माता उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब हुंतु जो सब मार्गदर्शन दे आसीथिले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आदर्श को गरीब लोकंकर कल्याण रे समाज रो समरसता युक्त काम पाई निजक उत्सर्गीकृत करिसंती तांकरिया ओडिया तत्वर प्रणाली आज भारत सरकार रो शासन प्रणाली रो व्यवस्था है। बंधुगण मैं निश्चित रूप में बात को याद कराना चाहूंगा आप सभी को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा शायद माननीय प्रधानमंत्री जी में ये शक्ति ये विचार इसीलिए आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सामाजिक जीवन और महाप्रभु जगन्नाथ जी का अनोखा रिश्ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सामाजिक कामों के जीवन में अनेक समय अहमदाबाद की महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ही एक सेवक के रूप में अपना समय बिताए हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे स्वयं ऐसा कोई साल नहीं था मैं कुड़िया के नाते मेरा छाती और बढ़ता था जब मैं माननीय मुख्यमंत्री उस समय के और आज के हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को महाप्रभु जी की रथ यात्रा के दिन सेवा करते हुए दिखता था। इसीलिए स्वाभाविक माननीय प्रधानमंत्री जी की लगाव उड़ीसा के प्रति है। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 7 साल से उड़िया समाज की ओर से एक विनम्र प्रयास किया गया राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में NCR में जो कामकाज उड़िया लोग रहते हैं माननीय प्रधानमंत्री उड़ीसा दिल्ली में NCR में कोई घर नहीं जिसकी प्लंबिंग की काम
प्लम्बिंग के काम कोई ओडिया ना करता, जिसमें ज्यादातर लोग उसी समाज से बढ़ के जीवन के अनेक विधा तक पहुंचे हैं। आज एनसीआर की सर्विस इंडस्ट्री में ओडिया लोगों की एक अच्छा उपस्थिति है। हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, ओडिया लोगों की एक स्थिति है। और दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू जैसे विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के नाते ओडिया बुद्धिजीवियों की एक उपस्थिति है। ऐसे सारे लोगों में, लोगों के अंदर आपकी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना रही, उसी को साकार करने के लिए एक विनम्र प्रयास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस साल आपकी बातों में प्रेरित होकर जो नौजवान हमारे उड़ीसा के स्टार्टअप की काम पे लगे हैं, ऐसे 50 स्टार्टअपों की एक सम्मेलन 2 दिन यही आयोजित किया गया। आपने 2047 में देश को विकसित करने का आह्वान किया है। हमारी राज्य उड़ीसा का पहला भाषा आधारित राज्य के नाते 2036 में 100 साल पूरा होगा। इसी अमृत काल में आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो बड़ा विजन है, आने वाले 23 साल देश के लिए हर एक नागरिकों के लिए कर्तव्य की काल होगा, दायित्व की काल होगा। उसी समय में उसको साकार करने के लिए 3 दिन उड़ीसा की बुद्धिजीवियों का, उड़ीसा से आए हुए और दिल्ली में रहे हुए प्रशासक और बुद्धिजीवियों का विमर्श हुई। अंत में आपने इस बार उड़ीसा की एक नवजागृति किया। मैं उड़िया समाज की ओर से, 4.5 करोड़ उड़िया की ओर से आपका आभार इसीलिए प्रकट करूंगा। उड़िया समाज एक स्वाभिमानी समाज है, एक राष्ट्रीय पार्टी की, एक महाविचार की अनन्य जननेता होने के बावजूद आपकी जो विचार रहा है, भारत की सभी सभ्यता सभी संस्कृति मिलाते हुए महाभारतीयता बनता है। जब हमारी अस्मिता इस बार चुनौती में था, आपने उड़िया अस्मिता की एक सजग रक्षक के नाते इस बार आपने जनता को अपील किया था। जनता ने आपकी वचन पे भरोसा करके हमारी राज्य को पूर्वोदय की सिरमौर करने के लिए आप पे भरोसा करके एक सत्ता परिवर्तन किया है। मैं प्रधानमंत्री जी, इस बार इसको सिर्फ सत्ता परिवर्तन के नाते नहीं देखता हूं, 21वीं सदी में आपके विचार दर्शन में उड़ीसा एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। हमें समझते माननीय प्रधानमंत्री का विचार रहे, तंक दृष्टि रहे, ओडिशा को नवजागरण शीर्ष रे पहुंचेगा। इटा सब ओडियांकर दायित्व, माननीय प्रधानमंत्री का अतूट प्रेम। आगामी आमे जिमते कहंतु ओडिया लोक माने 12 मासी 13 पर्व। माननीय प्रधानमंत्री, यही मास शेषे जीवे ओडिशा को भारत बर्षर समग्र पुलिस अधिकारी मानकु, शीर्ष पुलिस अधिकारी मानकु चर्चा करने पर 3 दिन ओडिशा रे रहिबे। यही आसंता डिसेंबर मासरे 4 डिसेंबर रे माननीय प्रधानमंत्री आदेश क्रमे प्रथम थर पई ओडिशा रा नौसेना और वायुसेना महाप्रभु जगन्नाथ को पाद देश रे तंकर सामर्थ्य प्रदर्शन करिवे। एरा सब ओडियांक पई गर्व। सबुठ बड़ सौभाग्य विषय आसीब प्रवासी भारतीय सप्ताह, माननीय प्रधानमंत्री योजना बल रे, प्रधानमंत्री आदेश कारण यही वर्ष जनवरी प्रथम सप्ताह रे विश्व तमाम भारतीय लोक माने आम प्रिय राज्य ओडिशा को आसीबे, महाप्रभु का दर्शन पई आसीबे, भुवनेश्वर को आसीबे, माननीय प्रधानमंत्री तार उद्घाटन करिबा पई जिबे। ओडिशा आपण को दृष्टि रे, आपण को मार्गदर्शन रे निश्चित रूपे 21वीं शताब्दी रे को नुआ स्थान को जीव। ये ओडिशा पर्व रे आपणकर सहृदय उपस्थिति, आपणकर मार्मिक मार्गदर्शन पे आमे समस्ते अपेक्षा रचु। माननीय प्रधानमंत्री जी, मु आपण समस्त को आउ थरे ये सफल संध्या पई कृतज्ञता ज्ञापन करुचि। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।